हमारी सोनी पे एक बड़ा ही जबरदस्त शो आ रहा है जिसका नाम है शार्क टैंक. लव इट. बड़ा मजेदार शो है. yes. और आज इस शो के शार्क जो है वो हमारे बीच मौजूद है. तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम इनोवेटिव बिजनेस को नई ऊंचाइयां देने वाले मिसेज विनीता सिंह, मिसेज नमिता थापर, मिसेज गजल अलग, मिस्टर पीयूष बांसल, मिस्टर अनुपम मित्तल, मिस्टर अमन गुप्ता एंड मिस्टर अश्नीर ग्रोवर. जोरदार तालियां. एक दो तीन चार पांच छह सात. मैंने कहा मैं गिन लूं सात लोग. क्या होता है कभी कभी बहुत अमीर गेस्ट आते हैं ना, अर्चना जी एक आध किडनैप कर लेती हैं. आई वुड लव टू किडनैप ऑल ऑफ देम. मैं ना इनके आने से पहले थोड़ी रिसर्च करी थी. क्या? मैं सबसे पहले अपनी जनता को बताना चाहूँ, पहले तो इनके लिए जोरदार तालियां बनती. इतनी कम उम्र में इन्होंने ऐसे ऐसी नई बिजनेस की ऊंचाइयों को छुआ है. हमारे देश की जीडीपी में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है. हम ना आपके आने से पहले सारा निकलवा कर रखा था. अश्नीर ग्रोवर साहब भारत पे के ये फाउंडर हैं. yeah. इनकी जो कंपनी की वर्थ है 2.85 बिलियन. wow. तो अच्छा जिन्होंने तालियां बजाई ना इनको पता भी नहीं है बिलियन होता कितना है. हमने फिर अपने सीए को बुलाया, मेरा, अर्चना जी का, हमारे सारे क्रू का, 200 लोगों का एक ही सी है. तो उन्होंने हिसाब लगा के भेजा कि 2.85 बिलियन इज इक्वल टू 21,375 करोड़ रुपए. ओ माय गॉड. अमन गुप्ता साहब वाह, ये बोट के फाउंडर हैं. 1.4 बिलियन यानी 10,500 करोड़. हाय रब्बा. कपिल. विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक्स के फाउंडर हैं. 533 मिलियन लगभग 4,000 करोड़ रुपए. ओ माय गॉड. बंसल साहब लेंस कार्ट के फाउंडर, 5 बिलियन यानी 37,500 करोड़. ओ, फिर नमिता जी आती हैं, इनका 2 बिलियन यानी 15,000 करोड़. अनुपम मित्तल साहब शादी.com के ये फाउंडर हैं, 15,000 करोड़. गजल अलग मामा अर्थ की ये फाउंडर हैं, 7,500 करोड़. हमने सारा टोटल लगाया 1,10,875 करोड़. मैं ये सोच रहा था अगर आज यहाँ डाकू आ जाएं और इनको किडनैप कर लें, हमारे तो देश की जीडीपी गिर जाए. वाह, इन लोगों ने इतना पैसा कमाया, इतने बड़े बड़े स्टार्टअप किए, इतने बिजनेस स्टैब्लिश किए, लेकिन देखो पैसे का खुशी से कोई लेना देना नहीं. आज ये खुशियां ढूंढने यहाँ पे आए हैं. ये आप लोगों की डील थी कि शार्क टैंक सोनी पे तभी लेके जाएंगे जब आप हमें कपिल शर्मा शो पे लेके जाएंगे. बिल्कुल. ये रिक्वायरमेंट हमने दी थी यहाँ पे. स्वीट ऑफ यू. धन्यवाद. नहीं मैं कपिल जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपकी बड़ी खुशनसीबी है क्योंकि आपके यहाँ सेलिब्रिटी तो बड़े बड़े आते हैं जी. आज 7 दिग्गज एंटरप्रेन्योर और सेलिब्रिटी साथ में, आपको कैसा लग रहा है? मैंने कभी सोचा नहीं था. बट ये थोड़े परेशान है. क्यों? नहीं, नहीं, आपने इनकी नेटवर्थ थोड़ी कम बता दी. कम बता दी? ये भी कम है? हमें मुझे ऐसा लगता है कि 35,000 करोड़ बताइए ना, बुरा लग रही है. कल रात को इनको और बढ़िया उसकी. नहीं, 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 ये आपको कम लग रही है? हम लंगोट पहन के हिमाचल चले जाएं? हम क्या करें? देखो हम शार्क टैंक में इतनी मेहनत करी है हमने कि हम यहाँ तक आ पाए. जी हाँ, बिल्कुल. मेरे माँ बाप को शार्क टैंक से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, उनको ये है कि कपिल में जा रहा है. मतलब ये बहुत स्वीट यार, क्या बात है. बहुत बहुत धन्यवाद. ये बिल्कुल सच है, सही है. शुक्रिया सर. और मेरी मम्मी तो लड़ चुकी है कि मुझे क्यों नहीं लेके जा रहा है. एक बात पूछनी थी, आप लोगों के पास इतना पैसा, आप सोनी पे क्यों गए? सोनी आपके पास आ जाता. ये आइडिया किसका था शार्क टैंक शुरू करने का? आइडिया तो सोनी का ही था. अच्छा जी. तो एक फॉर्मेट है यूएस में, तो 13 साल से चल रहा है यूएस में, सक्सेसफुल है. अब इंडिया में भी एक स्टार्टअप की वेव चल रही है, तो उनको लगा कि इंडिया में लाने का सही टाइम है. 40 कंट्रीज में है शार्क टैंक. हाँ जी, हाँ जी. ये अर्चना जी भी शार्क है, आपको पता है? हाँ, पता है. हाँ, सिद्धू नाम की एक मछली को ये खा गई थी. ओह, आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज विराजमान हो जाइए. जोरदार तालियां.
गजल, आपका नाम बड़ा खूबसूरत है. कभी आपको किसी ने कहा है मुझे गजल बड़ी अच्छी लगती है, और आपने कहा हल अलग हो गए खट्टे? नहीं, ये लाइन आपने बड़ी अच्छी दी है. कोई आएगा आगे से मैं ये बोलूंगी, चल हट अलग होके बैठ. आप आई थिंक मम्मी बनने वाली हैं. बहुत बहुत मुबारक आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं. गॉड ब्लेस यू. नमिता, आपकी फार्मा कंपनी है. जब आप कभी किसी पार्टी में जाती हैं, तो आपके रिश्तेदार आपका हालचाल पूछते हैं कि अपना हालचाल बता के आपसे दवाई पूछते हैं? नहीं, आजकल तो मैं जहां भी जा रही हूँ, मुझे सब लोग पूछ रहे, भाई या बहन आपकी एक्सपर्टीज क्या है? बताई दो आज आप. तो आजकल एमक्यो के बारे में कोई नहीं पूछता, दवाइयों के बारे में नहीं पूछता है, सिर्फ पूछते है कि आपकी एक्सपर्टीज है किसमें. तो ये जो डिंपल आपके शुरू से पड़ते थे कि या करोड़ रुपए जब आ गया आपने? मैंने इतने अमीर लोग एक साथ नहीं देखे कभी. तो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ज्यादा. अर्चना जी तो बड़ा फॉलो करती हैं, पता नहीं कहती कब कौन सा आइडिया चिपक जाए और मैं भी निकलूं. हाँ, दिमाग होना चाहिए यार, है ना. यू नीड टू हैव अ ब्रेन टू बी इंटरेस्टेड इन प्रोग्राम लाइक शार्क टैंक. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. देखिए, मोर देन आस आई थिंक अर्चना जी, कपिल जी, ये शो का श्रेय जाता है टू इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स. 13 साल से लेके 70 साल तक लोग आए हैं अपनी आइडियाज पिच करने. तो हर घर में मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योर अभी पैदा हो गया इंडिया में, और देश बदल रहा है. Actually. भारत बदल रहा है. और पता है, ये जब भी कोई स्टार्टअप करना है या बड़ी सारी ऐसी चीज होती है टेक्निकल लैंग्वेज जो आम लोगों को नहीं समझ आती, लेकिन आपका शो इतना बढ़िया है, और उसके बाद जो आप आम लोगों को आम भाषा में समझाते हैं, शायद कई बार आदमी के पास बड़ा अच्छा आइडिया होता है, उसको समझ में नहीं आता कि इसको आगे मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँ, है ना, किस तरीके से आगे मैं किसको मिलूं. सो ये बड़ी अच्छी चीज़ है. और आपने सही कहा, हमारे इंडिया में आइडिया ही तो हैं, और मतलब बहुत आइडिया. और मुझे लगता है कि ये शो के बाद अब बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आने वाले हैं, और एक्चुअली देश तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है. अनुपम जी, आप सब जानते हैं shaadi.com के ये फाउंडर हैं. इससे पहले इन्होंने sagai.com शुरू की थी. तो और अभी इनका नया आ रहा है दूसरी shaadi.com. तो आपने पहले sagai.com शुरू किया, फिर shaadi.com. तो पहले आप चेक कर रहे थे कि सगाई टिक गई तो मैं फिर शादी कराऊंगा, ऐसे? मतलब ये प्लान कैसे आया, आइडिया सर आपके दिमाग में? मैंने ये सोचा कि सीधा ही shaadi.com कर देंगे, कहीं बर्बादी.com नहीं हो जाए. हाँ, तो पहले थोड़ा टेस्टिंग करने के लिए मैंने sagai.com. नॉर्मली क्या होता है आम परिवारों में शादियां कैसे होती हैं, किसी की भुआ मौसी ये उसने एक आगे बता दिया, हो गया. आपके तो क्या पूरा मेन्यू लगा रहता है, मतलब आई मीन जो भी उसको लैंग्वेज बोलते हैं, तो पूरा बुफे लगा रहा, क्या आप जो भी बोलते हैं यार उसको, तो आप अपनी मनपसंद. हाँ अच्छा, पर ये आइडिया सच्ची में कहाँ से आया? काफी साल की बात है, एक पंडित जी आए थे मिलने. अच्छा जी. तो पीछे लग गए, उनके पास 25-30 बायोडेटा थे कि भैया देख ले इसमें से तेरे को कोई पसंद आया. अच्छा, तो आपकी शादी के लिए? हाँ, मेरी शादी. वाह. मुझे करनी नहीं थी, मैंने ठान ली थी शादी कभी नहीं करूँ. अच्छा जी. तो मैंने कहा यार लाखों में एक की तो बात सुनी है, लेकिन ये 20-25 में एक का क्या सवाल है? इसमें थोड़ी मुझे कोई पसंद आने वाली है. मुझे तो करोड़ों में एक चाहिए. वाह. तो मैंने कहा इंटरनेट पर साइट डाल देते हैं, करोड़ों लड़कियाँ आएंगी, उसमें से एक चुन लूंगा. तो मैंने शुरू कर दी. तो बेसिकली आपने अपने फायदे के लिए शुरू किया था ये बिजनेस पहले, कि पहले तो मैं चुनूं. हाँ. उसके बाद जनता का भला. पर बड़ा कमाल का आइडिया था. अश्नीर सर को आप सबने देखा है, ये ज्यादातर गुस्से में रहते हैं. इनकी प्लीज फोटो ले ली जाए, इसके बाद शायद ही स्माइल आएगा. हफ्ते का कोटा हो गया. अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लाइफ सॉर्टेड है, फैमिली कंप्लीट है, वैक्सीनेशन भी दोनों हो चुकी हैं, वेकेशंस पे फॉरेन भी आना जाना रहता है. किस बात का गुस्सा आता है? ऐसा तो नहीं कि सोनी के साथ कम पैसों में डील कर ली, अब आपको उस बात को सोच सोच के गुस्सा आता है? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जी. मैं ना पीता नहीं हूँ. तो, पीते नहीं आप? तो कई बार क्या होता है कि रात को कोई बंदा थोड़ा पी लेता है, रात को गुस्सा निकाल देता है, फिर सुबह उठ के बोल देता है जी वो तो कपिल डैनियल्स था या जैक शर्मा था, या तो कभी बोल देता है दोनों में से कोई नहीं था. मैं वो बोल नहीं पाता हूँ. तो मैं हर टाइम सेम स्टेट में रहता हूँ. गुस्सा नहीं है, बट हाँ जब किसी को सुनानी होती है तो फिर सुनानी भी होती है. अच्छी बात है कि मिसगाइड नहीं करना किसी को. नहीं, लेकिन मैंने देखा है बड़े, मतलब यू रियली
सुनाओ देम, अगर कोई आता है और कोई डील आपको पसंद नहीं आती या उनका बोलने का या प्रेजेंट करने का अंदाज पसंद नहीं आता, तो यू मींस नो वर्ड्स इन टेलिंग देम व्हाट यू फील. क्योंकि क्या है कि मैं बोल दूं जी बहुत अच्छा लगा, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप तो बिजनेस भी अच्छा है, मतलब सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा ना भाई, सब कुछ अच्छा तो पैसे दे दे यार. तो पैसे नहीं दे रहे तो बता तो दो क्यों नहीं दे रहे. ये सब दोगलापन है, मत सुनिए. नहीं, ये गलत आंसर है. सही आंसर वही है, ये ना कॉफी पीते हैं, ना दारू पीते हैं, ना डांस करते हैं. इनकी लाइफ की सारी किक लोगों को गाली देके मिलती है. देखिए, मैं कपिल का मन चूज करके जिसको भी बुरा लगा, मैं 20,000 करोड़ रुपए झुक के माफी मांग रहे हैं. भाई साहब, हमें भी बहुत बार बुरा लगा. अरे यार, अभी तो शो का मजा ही खत्म हो गया यार, ये कर लिया तुमने. बट अश्नीर, आई हैव टू से वन थिंग. जब मैं शूटिंग पर आ रही थी तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कौन आ रहे हैं गेस्ट. जब मैंने बताया तो ही हैज सेंट अ स्पेशल मैसेज फॉर यू. ही सेड माय फेवरेट शार्क ऑन द शो इज अश्नीर. थैंक यू. जैसे मेरे पास पूरी वर्थ का वो लिस्ट है ना, इनके पास भी है. तो उस हिसाब से ये भी फेवरेट होते हैं. ये आप मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट हैं. नहीं, मैंने ये बोला मेरे फेवरेट, मैंने बोला मेरे हस्बैंड के फेवरेट. आज ये मुझे कह भी रही थी, कहती आज बड़े प्यारे लोग आ रहे हैं, अलग एपिसोड होगा और अब बहुत खुश हो गए, तो हो सकता है जाते जाते कुछ दे भी जाए. अच्छा, अश्नीर ग्रोवर साहब ने भारत पे जो है ये उसके फाउंडर हैं. सर, आप कभी किसी की शादी में जाते हो तो लिफाफे में शगुन कैश में डालते हो कि उनको भी बोलते हो कि मैं तुम्हें पे कर दूंगा भारत पे? नहीं, मैं आजकल लोगों को बोलने लग गया हूँ कि शादी के कार्ड के पीछे QR छपा दिया करो. क्योंकि कई बार ये कोरोना हो जाता है, पता लगा 1,000 की गैदरिंग 200 की हो गई, तो शगुन का नुकसान नहीं होना चाहिए. पर आपके चक्कर से ना उधार वाला काम बंद हो गया. नॉर्मली पहले क्या होता, किसी ने पैसे लेने होते ना दुकानदार ने, उसको बोलते थे भाई दे दूंगा, भाग थोड़ी चले हैं. आजकल आप किसी को बहाना नहीं लगा सकते. आप किसी भी दुकान पे जाओ, उन्होंने QR कोड लगा के रखा होता है कि यहाँ पे करो. इनफैक्ट एक भिखारी को 2 रुपए देने लगे उस दिन अर्चना जी. ये बोली मेरे पास कैश नहीं है. उसने अपना कटोरा उल्टा कर लिया, कहता स्कैन कर लो. पर यार क्या बात है वैसे, एक आइडिया कैसे जिंदगी बदल देता है और कितने सारे लोगों की. पर वी आर सो प्राउड ऑफ यू. विनीता जी मेरे साथ जो बैठी हुई हैं, शुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर हैं. अच्छा, जिन लोगों को शुगर है उन लोगों के लिए जैगरी में भी आपके पास कुछ है? आज ही मुझे एक ईमेल आया था जो मैंने ट्विटर पे डाला है. एक इंसान ने मुझे मेल भेजा है कि मेरी गर्लफ्रेंड को शुगर कॉस्मेटिक बहुत पसंद है, पर वो पूछ रही थी आपने शुगर ही क्यों रखा, चाय पत्ती क्यों नहीं रखा, दूध क्यों नहीं रखा अपनी कंपनी का नाम. अच्छा, तो मैं तो सबको ये बोलती हूँ कि ये शुगर रश आपको मिलता है जो मेकअप लगा के, विदाउट द कैलोरीज. तो अगर आपको शुगर है तो भी आप शुगर पहन सकते हैं. वाओ. अमन, मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैं ना बचपन में, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है और हेडफोन भी मेरे पास काफी है, मतलब काफी, मतलब 3-4-5-6 होंगे. स्पीकर भी हैं ब्लूटूथ. मैं बचपन में सोचता था काश कभी कोई ऐसा स्पीकर आए जो कभी हम बोटिंग कर रहे हो तो वहां पे साथ लेके जा सके. ये नहीं पता था कैसे आ सकता है, हम ऐसे सोचते थे. पर आपने वो काम किया भी. मेरे को ये जानना कि बोट नाम आपने क्यों रखा उसका? तो हमने ना एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी वगैरह को रखा कि पहले बोला कि बहुत सारे नाम उसने हमारे को ढूंढ के दिए 15-20, उसमें ना ये सोनिक, ये ऑडियो, ये ऐसा ऐसा करके. तो मैंने सोचा कि यार इजी क्या होगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोट. तो बोट रख दिया. इजी था, प्रोनाउंस करना इजी था, लोगों को समझ आने लगा. तो यू नो अब हम, मतलब वो केजी की बुक्स होती है ना, उसमें भी चेंज करवा रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोट. इजी. वाह. बट GOAT इज अ वेरी यू नो कॉमन टर्म, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. You have BOAT is best of all times. Oh, very nice. Oh, nice. अब आपको चेक जरूर मिलेगा यहाँ. Very very nice. अब मैं ये यूज करूँगा next time. अच्छा पीयूष भाई, लेंस कार्ट वाले हैं. मैंने देखा आपकी पहली जो ब्रांड एम्बेसडर बनी वो कटरीना कैफ थी. जी. उसके पहले मैंने उनको कभी चश्मा पहनते नहीं देखा. जी. तो ये आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी थी कि आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी थी कटरीना कैफ को? कटरीना कैफ को मैं लेके आऊँ. कटरीना कैफ ही क्यों चुनी आपने? आपको विक्की के बारे में नॉलेज नहीं थी? देखो, मुझे लगता है कि चश्मा जो है फैशन एक्सेसरी है जी, और इसीलिए मैंने कटरीना कैफ को चुना बिकॉज वो फैशन आइकन है जी, और उनको चश्मा बनाया तो फिर सब पहनने लग गए. इनका चश्मा पहन के कटरीना को भी क्लैरिटी आ गई कि विक्की से. एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए.
देखो संगत माहौल का असर होता है. जब ये सीरियस है बिजनेस को लेके, बिल्कुल सीरियस है, उस समय आपको डांट भी सकते हैं. खुशी खुशी है तो खुश भी. देखो तो कितनी लॉजिकल बात बोली उन्होंने. जैसे ही चश्मा लगाया क्लैरिटी हो गई, अब शादी करनी है. वाह क्या बात ब्रोवर साहब. विनीता गजल, आपके रिश्तेदार कभी ऐसा बोलते हैं आपको कि आपके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं सैंपल वाले प्रोडक्ट्स हमारे घर भेज दो फ्री में, ऐसे बोलते हैं? बहुत बोलते हैं. आप भिजवा देते हो? नहीं मैं तो भिजवाती हूं. हम वेबसाइट का लिंक भेज देते हैं, आप यहां से ऑर्डर कर सकते हैं. अच्छा अगर जब आप किसी अपने रिश्तेदार के घर जाते हो तो आप देखते हो कि हमारा प्रोडक्ट पड़ा है तो खुशी तो होती होगी. बहुत खुशी होती. लेकिन अगर आप किसी रिश्तेदार के घर गए, किसी और कंपनी का पड़ा हो, आप फिर दोबारा उनके घर जाते? नहीं, तब हम सैंपल भिजवा देते. ये है बिजनेस थिंकिंग कि चौर बड़ा, अब भेजो इनको सैंपल. वाह. और हम चुपचाप बाथरूम में जाके वो फेंक देते डस्टबिन. हे महिलाओं, हम नमन करते हैं आपको. विनीता, आपके हस्बैंड भी को फाउंडर है साथ में शुगर कॉस्मेटिक पे. कभी वो घर आए और उनकी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान लगाओ तो आप शक करती हैं कि ये सोचती हैं कि टेस्टिंग कर रहे होंगे? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ये आता है कि शुगर की तो ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है, तो जिसके साथ वो है वो शुगर के अलावा क्यों यूज करिए लिपस्टिक? अच्छा, आपको ब्रांड पे गुस्सा आएगा कि ब्रांड कोई और कैसे लग गया? वैसे नहीं, बाकी ने फर्क नहीं पड़ता. देखो ये ए टू जेड बिजनेस, मतलब ये सोच है, ये आपकी सोच ही आपको आगे लेकर जाती है. जैसे आपने सोचा ही था घर बैठे बैठे कि एक दिन मैं छा जाऊंगी. जैसे तेरे को जज करती थी तब तूने सोचा था कि अर्चना पूरन सिंह तुझे जज करेगी और तू छा जाएगा. मुझे ये 10-10 नंबर देती थी. जैसे आप इन्वेस्ट करते हो ना, इन्होंने मेरे में इन्वेस्ट किया. बिल्कुल. ये मुझे 10-10 नंबर देती थी. इनको पता था अपना शो खोलेगा ये, सबकी दुकान चलेगी. अरे ये नहीं बोल रहा कि क्योंकि मैंने 10-10 नंबर दिए इसलिए तूने अपना नया शो. नहीं, ये आइडिया ही होता, देख लो आप. आई वांटेड टू आस्क, आप सब में से फिल्मी बफ कौन है जो फिल्मों है ना? नमिता. मेरे बच्चों का नाम है वीरू एंड जय आफ्टर शोले. तो कोई मुझसे कम्पीट कर सकता है? अच्छा, बच्चन साहब के डायलॉग जो मेल हीरो हैं, जो उनके फैंस वो तो बोलते हैं, आज पहली बार आप सुनेंगे, नमिता आपको सुनाएंगी. देखना कितना मजेदार. लेडी अमिताभ बच्चन. अमन, एक बात बताइए, जब आप पहले, मैंने सुना आप सीए भी थे. अभी भी हैं. निकाला नहीं है अभी तक. ठीक है. तो ऐसे आपको, मतलब इतने यंग है तो सबसे छोटी उम्र के वन ऑफ द यंगेस्ट सीए आप थे. हाँ जी. तो लोग आपको काम देते थे, उनको ये नहीं लगता था बच्चा है क्या करेगा ये? हाँ, बहुत लगता था सर. अभी भी लगता है लोगों को बहुत बार कि यार ये कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये क्या कर रहा है, ये कैसे काम करेगा. पर ठीक है, यू नो, कर लेते हैं कुछ ना कुछ करके. और सुनाओ. अश्नीर सर को मैंने देखा है, जब इनको कोई आइडिया कोई पसंद नहीं आता ना, या लगता है कि ये सामने वाला लॉस में जा सकता है, उसको बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ये बंद करो तो बर्बाद हो जाओगे तुम. ये आपके अंदर का बिजनेसमैन बोलता है कि आपके अंदर का कोई बाबा है छुपा हुआ जिसको ज्ञान हो जाता है कि ये बड़ा गर्क करेगा? नहीं नहीं यार, कई बार बड़ी खुंदक आती है. मतलब आप अपना समय निकाल के बैठे हो, दिल्ली से बॉम्बे आए फ्लाइट पकड़ के, और एकदम ही वाहियात सा आइडिया आ गया कोई, मतलब कोई नाभी को गोल करने के लिए कोई आ गया, तो मैं इसको क्या हौसला दूं, उसको ये बताऊंगा ना बर्बाद मत कर जिंदगी, कुछ ढंग का काम कर ले. मैं तो ऐसे भी बोला लोगों को, ये जो सैंपल आया था ना, ये भी यहीं पे छोड़ के जा, घर भी मत लेके जाए इसको. अच्छा, सबसे वियर्ड आइडिया क्या लेके आए आपके पास शो में? कोई ना कोई तो ऐसा आया होगा ना, अजीब आइडिया लेके आए हो. अरे एक्स एमक्यो एम्प्लॉई, बेली बटन शेपर नहीं देखा? हां, वो बेली बटन. बेली बटन शेपर? नहीं, मैं किसी की बेली को क्यों? गोल और गहरी नाभी का राज. गोल और गहरी नाभी. गहरी नाभी क्यों करनी? लॉकर बनाना उसका क्यों? और कोई ये क्या आइडिया हुआ? उसने अपनी पिच कैसे शुरू की? सबसे पहले आए और खड़े हो गए वहां पे, हमको देखा, कहा आपकी सबकी फैंटेसी क्या? फिर कहता है मेरी फैंटेसी है गोल और गहरी नाभी. हंसते हंसते बस लोट पोट हो गए. फिर नाभी कहाँ, नाभियाँ ही दिख रही हैं, गोल कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके बाद क्या. अच्छा, आप सब लोग सोशल मीडिया पे हो अपने, है ना? आप लोग पिक्चर विक्चर डालते होंगे अपने फॉलोअर्स के लिए, उसके नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं. बड़े लोग बड़े बड़े स्मार्ट हैं. आपने लोगों को आइडिया दे दे के सबको बिजनेसमैन बना दिया ना. हमारा शो देख देख के लोग बड़े फनी हो गए. मैं आपको आपकी पिक्चर्स दिखाता हूँ.
अरे बाप अरे डर लग रहा है दिखाई जरा अरे मैंने आपको देखा है अरे वो मेरी वाइफ है यार अच्छा हाँ जी करोड़ों में वाह भाई साहब करोड़ों में तभी मैं कहूँ ये shaadi.com का आइडिया ये अमन जी की फोटो है समटाइम्स आई जस्ट लव हैविंग बियर एट अ बार अलोन विद नो वन टू डू टाइम पास विद टुडे इज जस्ट दैट डे ओके आइए इसके नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं चीयर्स विद मी क्या होता है किसी को नहीं पिलाना हो तो बंदा ऐसे ही कैप्शन डालता है आदमी कितना भी बड़ा शाक बन जाए बियर पीने तो हैप्पी आवर्स में ही जाता है और आगे दिखाइए कमाल है यार किस बार में गए हो बियर के साथ सींगदाना भी नहीं दिया लगता है ये पहला ग्लास है तभी सेल्फी सही आई है अगर चौथा पांचवा ग्लास होता तो आधा मुंह आधा ग्लास आता और दिखाइए नमिता जी आपकी फोटो वाह पढ़ो इंग्लिश बड़ी बल्क में लिखी है आप पढ़ो यू कैन गेस व्हाट अ ह्यूज अमित जी फैन आई एम कैन रैटल ऑल हिज डायलॉग्स एंड मूवी ट्रिविया लाइक अ प्रो वन ऑफ माय बेस्ट मेमोरीज ऑफ शार्क टैंक इंडिया वाज व्हेन आई गॉट टू मीट अमित जी ट्वाइस एट द केबीसी सेट वाओ ट्वाइस एंड मैंने उनको बताया कि सब मुझे प्यार से बसंती कहते हैं मैं बहुत बोलती हूं अर्चना जी एक सेकंड में आपने पूरा अरे इतना तो सभी कोई पढ़ लेते हैं यार कपिल जी जरा आप पढ़ते हो या व्हाई नॉट यू नो आई कैन स्पीक वेरी वेल Because I always believe, act like a fool and behave like a genius. Yeah. That's my strategy. Good one, Kapil. Good one. Comments, आपके पढ़ते हैं नीचे क्या लिखा किसी ने? अच्छा है आपने शोले को follow किया. अगर सत्ते पे सत्ता को किया होता, तो आपके साथ बच्चे होते. और दिखाइए अब आप कह सकती हो बच्चन साहब मेरे पीछे हैं बच्चन साहब के पास माँ है तो आपके पास फार्मर वाह और दिखाइए ओह बिहाइंड द सीन फन विद द लेडीज ऑफ यहां पे भी स्माइल नहीं है अश्नीर भाई क्या चाहते हैं आप लाइफ में इतनी ब्यूटी आपके पास बल्क में है ओवरफ्लो हो रही फ्रेम से बाहर उसका एक रीजन है ना जी फोटो खींची मेरी वाइफ ने ऑनेस्ट आदमी है मैं आई लव यू भाई मुझे कमेंट्स दिखाई दे रहा कम बजट का जेम्स बॉन्ड ओ यहां तीन लड़कियों के बीच में कितने भी शाक बन लो बीवी के सामने तो बंदा पेंगुइन ही होता है अभी इन्होंने बोला यही वाला ये देख लो वो थॉट आप ही वाला है आपको देखकर आपका फेवरेट डायलॉग याद आ रहा है ये सब बंद कर दे बर्बाद हो जाएगा ओ, ओ, ओ। और दिखाइए गजल ने फोटो डाला ओ माय गॉड ही प्रपोज्ड अगेन अगेन मतलब पहली बार में आप मानी नहीं थी नहीं मान ली थी शादी भी कर ली थी उसके बाद एक और प्रपोजल आया वाह ये वाला प्रपोज नहीं मुझे समझ में आया क्यों मतलब 10 साल हुए थे शादी रिन्यू कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है अर्चना जी जब परमीत सर से शादी करना चाहती थी ना वो मान नहीं रहे थे इन्होंने एक हाथ से उठा के ना इसे बगल में फेरे ले ली वो 6 फुट 2 इंच बाद में वो प्रपोज करने वाले वहीं पे बैठे हुए हैं सर जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका ये आपका अपना आइडिया था कि आपके ऊपर सामाजिक दबाव था इंस्टाग्राम के बाद थोड़ा दबाव तो पड़ना शुरू हो ही गया
यहाँ पे आसपास लोग ऐसे काम करते रहते हैं, रोज कहीं छुट्टियों में जाते रहते हैं. आप बेचारे सुबह उठो, बीवी देख रही होती है आपको ऐसे, ये भाई ये यहाँ चला गया, वो वहाँ चला गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, सारा दिन प्रेशर रहता सर. बड़ी दिक्कत है इंस्टाग्राम के. कितनी देर बाद आज आप रेगुलर इतना बोल रहे हैं कंटिन्यू? आप दोबारा मम्मी पापा बनने वाले, बहुत बहुत मुबारक आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू. तो गजल, शादी के बाद आपका नाम जो जो है अलग हुआ. हाँ जी. पहले क्या आपका सरनेम था? साहनी. साहनी. तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती? अरे शादी के बाद तो आप अलग ही हो गए. अलग ही हो गए. तो सर आपकी कंपोजिशन कैसे हुई गजल के साथ? आई मीन कंपोजिशन. आप कैसे मिले थे? वो मेरी बुआ के घर के साथ रहती थी सर, तो वैसे तो मतलब देखो. तो आपका बुआ से जेन्युइन प्यार था कि इन्हीं के चक्कर में बुआ से मिलते थे? थोड़ा बढ़ गया उसके बाद. अच्छा जी. वो चंडीगढ़ में रहती थी तो मैं. अच्छा, आप चंडीगढ़ से हैं? हाँ जी. अरे वाह. और आप कहाँ से हैं वैसे? मैं दिल्ली से सर. दिल्ली से. दिल्ली वाले बड़े तेज होते हैं. हम लोग बगल में से निकल के इधर आ गए धक्के खाने, हमें पता नहीं था ये सब हो रहा है हमारी पीठ पीछे. पर आपकी बड़ी प्यारी जोड़ी. आइए देखते हैं इसके नीचे कमेंट्स, दिखाइए. अरे बाप रे, तो मैंने भी नहीं पढ़े. देख लो बेचारा हस्बैंड, शादी होते ही लड़कियां घुटने पे ले आती है. हमेशा प्रपोजल एक ही घुटने पे क्यों होता है? क्यों होता नीचे है? किसी ने रिप्लाई भी लिखा, क्योंकि दोनों पे बैठ गए तो भागने में दिक्कत. अच्छा वैसे आप लोगों के पास इसका आंसर है, क्यों ऐसा करते हैं, एक ही घुटने पे ऐसे करके क्यों करते हैं? भाई साहब बताइए. इनके पास है, इनको बताओ. मैं शादी रखो. वैसे वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे. हमने तो पिक्चरों में ऐसे ही देखा, सब अंग्रेजी पिक्चरों में ऐसे ही दिखाते हैं, तो वहीं से सीख लिया हमने. अंग्रेजी पिक्चरों में तो बहुत कुछ दिखाते हैं वो. वो सब नहीं सीखना. जितना बंदा कर पाता है कर लेता है, मतलब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से. ओके कमेंट्स. हाँ. अपनी वाली को तो सब प्रपोज कर लेते हैं, हिम्मत हो तो दूसरे की बंदी को प्रपोज कर लेते हैं. किसी ने कहा ओह माय गॉड, सरप्राइज तो ये ऐसे हो रही है जैसे इनको पता नहीं था. नहीं पता था, नहीं पता था. जैसे मेरी बीवी ने बोला, कहती मेरे बर्थडे पे ना मुझे वो वाली घड़ी सरप्राइज चाहिए. मैं कौन सी? कहती मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किया, देख लेना. मैंने जब ला के दी तो कहती ओह माय गॉड. मैं सोचूं अच्छा तुझे नहीं पता था मैं लेके आ रहा हूँ. ये सेम स्टोरी मेरे साथ. आपके साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है. क्या? मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है कपिल. और मुझे सिर्फ अपनी चॉइस ही अच्छी लगती है. एंड कभी कभी बिगिनिंग में ऐसा हुआ कि अनुपम मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें मंगवाते थे एंड आई यूज्ड टू बी वेरी अपसेट. तो क्या फ़ायदा, पैसे भी बर्बाद हुए, मेरा मूड खराब हुआ. So I send him पहले से बता देती हैं. आई सेंड हिम अ पिक्चर और आई टेल हिम कि मेरे को यही चाहिए. बिकॉज़ देयर इज नो पॉइंट. नहीं, मैं बताता हूँ क्या करती है वो. गिफ्ट भी चूज कर लेती है, पैकिंग वैकिंग भी करवा देती है और फिर उनको बोलती है तू तू घर पे भेज दे, पूरा सजा के उसको, सरप्राइज लिख के उसके. लेकिन मुझे बाद में समझ में आया वो सरप्राइज जो था वो एक्चुअली मेरे लिए था. सरप्राइज देखो मैंने कितना खर्चा कर लिया. और आगे दिखाइए जरा कमेंट्स. पीयूष आपकी स्माइल अलग ही दिख रही है. ग्लो ग्लो है, खुशी का ग्लो. दिखाइए जरा कमेंट. ये आपने कहां से ढूंढा है पता नहीं. आप खुश बहुत लग रहे हो, क्या बात है. आपकी जगह अगर मेरे साथ कटरीना फोटो खिंचवाती तो अभी तक मेरा चश्मा उतर जाता. ओह, इतना क्लीन शेव. लग रहा है आपने कटरीना से मिलने के चक्कर में चेहरे पे वैक्स करवा ली. ओह, आपका बिजनेस भले ही कितना अच्छा हो, किस्मत तो विक्की की. और दिखाइए. भाई आप दुनिया को चश्मा पहनाते हो, ये आपको पहना गई. चश्मे की बजाय आपने इन्हें दिल से देखा होता तो आप भी रणथंभौर गए होते.
तो लोग क्या क्रिएटिविटी है, कमाल है। आगे दिखाइए और स्टेइंग हाइड्रेटेड इन द कोल्ड, दिखाइए कमेंट्स दिखाइए जरा। दिस इज इटली, इटली सेविया, सेविया स्पेन, या स्पेन। पसंद की ब्रांड पर एक पे एक फ्री ऑफर मिल जाए तो ऐसी ही हंसी आती है। आप पीते हुए अच्छी लग रही हैं, चार पैक के बाद आपको मैं भी अच्छा लगूंगा, पीछे ही खड़ा हूं। ज्यादा हो जाए तो आगे लगे पौधों को ग्रीन सैलड समझ के मत खा जाना। ये मैं कर सकती हूं। जितनी आप पी रही हैं उतनी तो हमारे कपड़ों पे गिर जाती है ब्रा। ये कोई पंजाब से होगा, पंजाब से ही है। आपकी तो हर ड्रिंक शुगर फ्री होती होगी। ओ, और दिखाइए। आ गए जी मित्तल साहब। सो मच ब्यूटी एंड आर्ट इन दिस फ्रेम, आई स्टिक आउट लाइक ए सोर थंब। हैप्पी 2022 एवरीवन। नाइस फोटोग्राफ, वेरी नाइस, बड़ी प्यारी फोटो है जी, दिखाइए कमेंट्स। सर आई वांट टू नो, क्या आपकी शादी भी shaadi.com से हुई थी? रिप्लाई, सबसे बेस्ट रिश्ता इन्होंने खुद के लिए रख लिया। सर ऐसा कुछ करो कि मैं आपका साडू भाई बन जाऊं। सर आप सिर्फ रिश्ते ही कराते हो या पंडित और घोड़ी भी करवाते हो? और आगे दिखाइए। What questions people ask? लोग अनुपम जी, मैं एक सेकंड हैंड दूल्हा हूं, मुझे डिस्काउंट मिलेगा? सर अगर आपका कराया हुआ रिश्ता टूट जाए तो शादी का खर्चा रिफंड होता है? सर ये जेन्युइन क्वेश्चन है, होता है रिफंड? हाँ। नहीं नहीं, वो तो हमारा फायदा है, दूसरी बार आके फिर शादी कराओ। तालियां, धन्यवाद। सातों के सातों शार्प साक्षात यहाँ पर आए हुए हैं। शार्प तो थे, बस टैंक की कमी थी। थैंक यू ब्रो। देखिए आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो वहां पे आपके शो की शूटिंग कौन कर रहा है? उधर कोई नहीं है। कोई नहीं है, सब इधर है। एक एडवाइस आप आए तो मैं आपको देना चाहूंगा। सोनी चैनल पे, स्पेशली सोनी चैनल पे अपनी कुर्सी को खाली छोड़ के कभी मत हटिए। एक महोदय पंजाब की रैली के लिए निकले थे। लेकिन आप सभी को आज यहाँ पे देख के मुझे कमाल का बिजनेस आइडिया आया है। गिव मी अ मिनट। गोबर जी आपका नाड़ा। दैट्स ऑलवेज वन मिनट। हेलो सोनी साहब, सोनी साहब मैं दामोदर बोल रहा हूँ। आपकी 3,000 करोड़ की नेटवर्थ मेरे कब्जे में है। और आप अगर आप इनकी सलामती चाहते हैं तो सोनी चैनल में 20% की इक्विटी मुझे दे दें। एक मिनट, सर मैंने तो इक्विटी देने के लिए कहा था, ये गाली क्यों दे रहे हैं? गाली दे गई, ये ऐसे इंसान है, पैदा होते ही माँ बाप की 60% इक्विटी खा गई। शर्म नहीं आती आपको मेहमानों के सामने ऐसी बातें करते हो? सोनी साहब देखिए 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 आपकी ये गालियों से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम सॉरी, आई एम आउट। नमस्ते कर अनुपम जी, नमिता जी नमस्ते, गजल जी नमस्ते, पीयूष जी नमस्ते, अश्नीर जी नमस्ते, विनीता जी नमस्ते और अमन गुप्ता। ये क्या कर रहे हो आप? ये उड़ने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में उड़ेंगे। क्या उनको क्यों घूर रहे हैं आप? अमन को क्यों घूर रहे हैं आप? अरे क्योंकि बचपन में मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहा करते थे, गुप्ता के लड़के को देखो।
आज मैं देख रहा हूँ गुप्ता के लड़के को, गुप्ता के लड़के वेल डन, गुड जॉब, वेल डन। मतलब नमिता जी, आप ना अपने मोबाइल पे ना ब्लूटूथ जरा ऑन कर लीजिए। क्यों? नहीं, क्योंकि मैंने शो पे देखा है सबसे कहती रहती है मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। ऑन रखिए, मेरे साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। लेट्स स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। ओके, वैसे एक बात बताइए, कैन आई हैव अ सीट? आपकी तो अपनी है। बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, आराम से बैठिए, रिलैक्स। मानना पड़ेगा यार, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप लोग। आप सब तो शार्क से हैं, लेकिन गजल जी आप डॉल्फिन हैं, डॉल्फिन। उधर उनका मगरमच्छ भी बैठा हुआ है। डोंट स्केयर मी लाइक दिस। आपको मुंह में रख के ऐसे क्लैप करेंगे ना अपने मुंह से। मैं जाऊं? नहीं नहीं, करो आप। नहीं, मैं कह रहा था कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं, क्यूट। He's looking cute. वैसे गजल जी, आपका ये अपना सरनेम क्या है? मैं अलग। नहीं, वो तो है, लेकिन है क्या? अलग है यार, मुझे पता है अलग है। अलग तो सुंदर पिचाई का सरनेम भी है, पिचाई काफी अलग सरनेम। लेकिन वो सामने से बताते हैं ना कि मेरा सरनेम पिचाई है। उनका सरनेम क्या है? अलग है, अलग। गजल अलग? नो, रियली रियली। I'm so sorry. Okay. I didn't get it. Mittal साहब, Mittal साहब, हाँ जी, मुझे एक बात बताइए। हाँ जी, आपने उस फिल्में भी बनाई है ना? फिल्में हाँ बनाई है। हाँ, ये आपने काम भी किया है फिल्मों में? एक फिल्म में काम किया। नहीं नहीं, देखिए देखिए, मैंने आपकी दोनों सारी फिल्में देखी हैं। मतलब मैंने आपकी सारी दोनों फिल्में देखी। अरे नहीं यार, क्या शर्मा, जब कोई इंसान ने दो ही फिल्म की हो तो उसे क्या कहते हैं? उसको आप कपिल शर्मा भी कह सकते हैं। मैंने भी दो ही की हैं। अरे वाह, लेकिन आपकी तो एक चली भी थी। बट शादी डॉट कॉम ह्यूज, जोरदार ताली आया। शादी डॉट कॉम पे जोड़ियां बनाते हैं यार। एक रिक्वेस्ट थी, मेरी भी एक शादी करवाओ ना। वो जोड़ियां बनाते हैं, आप पहले ट्रिपल हो। और आपकी शादी में हो चुकी है, आपकी बीवी अंदर है? चुकी है तो क्या हुआ, यहाँ पे इंटरव्यू भी बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन और हो रहे हैं ना। इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता यार, पुरानी चीजें फिर नई ऐसे बनती जाती है ओवर एंड ओवर अगेन। भाई ये पीयूष बंसल जी का बिजनेस देख लीजिए, क्या करते हैं, चश्मा ही तो बनाते हैं। नहीं, लेकिन अंदाज बयां और होता है, वो अलग बात है। देखो, इन्होंने चश्मे के बिजनेस को एक अलग लेंस से देखा और कॉम्पिटिशन को काट दिया, बना लेंस काट। आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर, मैं ना इतना ये मेरे पास ये लेंस कार्ड का ना एक 2000 रुपए का वाउचर है, और चक्कर है कि आंखें हैं मेरी ठीक, पर वाउचर का मैं क्या करूं, इसके अगेंस्ट में 2000 रुपए दे दो ना यार। वो एटीएम रहो, लाओ आप मेरे को दे दो, एटीएम से निकाल के। वैसे होता नहीं है वकील साहब, ऐसे वैसे होता नहीं है। ऐसे नहीं होता है? नहीं, तो मेरी आंखें खराब कर दो। 2000 रुपए का नुकसान सह नहीं पाऊंगा मैं। देखिए, जो मैंने चश्मा पहना है इसमें कोई पावर नहीं है। अभी पहन सकते हैं, कूल लगेंगे। देखिए लगाइए। नाइस। अब लग रहे हैं आप रियल दामोदर। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे चिंपैंजी ने एमबीए कर ली हो। वो वापस मत कीजिए, आप आपके लिए वो वापस करने की जरूरत नहीं। ये रहा 2000, ये 2000 मिल गए ना, ये अब आपका। अरे आई लव इट, आई कैन रियली कीप इट। रख लो, रख लो, रख लेता हूं मैं, रख लेता हूं भाई, फ्री की चीज मैं कभी। दो हमारे गेस्ट को वापस ऐसे बेइज्जती होती है ऐसे। अच्छा लगता है? ठीक है भाई, एक ही में सेटल कर रहे हो। मैंने उनसे पेटी मांगनी पूरी। ये बात करो उनको, ये स्टोर पे जाके ले लेना, ऑनलाइन ऑनलाइन ट्राई करें। मैं आई एम देयर। गजल जी, बिजनेस की बातें तो आपसे बहुत लोगों ने की होगी, मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहता हूँ। शादीशुदा है वो।
ओके ब्रो कोई बात नहीं विनीता जी बिजनेस की बातें तो आपसे बहुत लोगों ने की होगी मैं दिल की बात वो भी शादीशुदा है क्या कर रहे हैं आप और अनुपम जी अनुपम जी बिजनेस की ओ आप क्या क्या बोल रहे हैं आप नहीं नहीं गलत मत समझो मैं उनसे खाली डिस्कस करना जा रहा हूँ सभी शादी शुदा है तो शादी.com का क्या होगा यार बात तो है यार हम लोग कंपनी आगे बढ़ानी है अरे बहुत लोग दूसरी भी करवाते हैं मैं तो आपको सलाह यही दे रहा था एक और कंपनी खोलिए फिर से शादी.com फिर से उसके बाद खोलिए एक और हो जाए फिर खोलेंगे बार बार शादी.com फिर एक और बोलिए अब मैं नहीं रुकूंगा एक और करूंगा ही शादी.com आपको शर्म नहीं आती आपकी बीवी घर बैठी हुई है और आप ऐसी बातें करते हो तो बैठी है ना खुश है यार वो पहले तो कानों से हेडफोन निकालो अरे यार नीचे मरे वी टॉक लेटर ये अपने को बात करने नहीं देंगे अश्नीर जी आप देख रहे हैं आपसे बातें करते हुए मेरे पैर कांप रहे हैं अश्नीर जी के तालियां बजाओ वकील साहब काम की बात करो यार मेहमानों से आपने बात करने से पहले मैंने तालियां बजा बजवा दी तो जरा क्रोध उत्पन्न भी हो तो थोड़ा सा रखिएगा ठीक है मैं खाली एक पूछ रहा था देखिए सारे लोग जो आसपास के हैं ना मुझसे कह रहे हैं कि आपने भारत पे बनाया है भारत पे बनाया है मुझे बताइए भारत पे आपने बनाया क्या है आपने भारत पे फिल्म बनाई है भारत पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है भारत पे निबंध बनाया है आपने भारत पे एक ऐप है जिस ऐप पे आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं पूरी दुनिया को मालूम है वंडरफुल दैट्स ग्रेट यानी कि आप हमें पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं है आपके ऐप से हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ऐसे नहीं होता है नहीं तो आपको अपने पैसे जो आपने कमाए हैं वो अगर किसी को ट्रांसफर करने वो कर सकते हैं फिर क्या बनाया मैं मतलब अगर मुझे ही पे करना है तो भारत पे क्या ये तो दामोदर पे हो गया ना लेकिन ये आपके बिजनेस से आई एम सॉरी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं आई एम आउट और मैं तो कहता हूं इनफैक्ट यू शुड गेट आउट आई शुड बट आई विल नॉट एनीवे मैं कह रहा था विनीता जी आपका भी ये जो कंपनी है शुगर कॉस्मेटिक्स मैं उसके प्रोडक्ट खरीद नहीं पा रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे शुगर मना किया है इनकी कंपनी का नाम है शुगर कॉस्मेटिक आयुर्वेदिक होते बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं नहीं आयुर्वेदिक नहीं है वो मामाअर्थ आप मामाअर्थ खरीदिए आयुर्वेदिक मुझे चाहिए ही नहीं मुझे वायुर्वेदिक चाहिए बिकॉज आई हैव वायु प्रॉब्लम आपको पता कितने अच्छे प्रोडक्ट होते हैं आयुर्वेदिक के कितने फायदे होते हैं पता आपको नहीं नहीं होते हैं इसीलिए तो मैं नहीं ले रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करके मैं बहुत ज्यादा क्यूट हो जाऊं ओहो फिर मैं आपके हाथ ही ना आ पाऊं क्यूट हो गया हाथ नहीं आऊंगा अपने पजामे में इतनी मुश्किल से आते हो आप सोमवार को इनकी मीटिंग होती है शनिवार को पजामा पहनना शुरू करते हैं दो दिन लगते हैं इनको बड़ी फालतू की बातें कर रहे मेरे मेहमानों के सामने यू नो इलॉन मस्क He has actually made a space shuttle. उससे वो मार्स पे गए हैं वहां पे चाय पी रहे हैं तो ये जानकारी ये जान के क्या करेंगे तो मैं पजामा कैसे पहनता हूँ ये जान के ये क्या करेंगे ये शार्क अपने टैंक में कैसे आता है इस जानकारी का दुनिया को क्या लेना देना कमाल की बात किए जा रहे हैं अमन जी हाँ जी ब्रदर यस सर आई एम रियली सॉरी बट मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ एंड इट्स नॉट नाइस क्या नोटिस है ब्रदर ये अरे सर नहीं 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 ये एक नोटिस है मैंने आपके ऊपर केस फाइल किया है क्या केस है यार इनके कंपनी के हेडफोन है हेडफोन मैंने पानी में डाले डूब गए पानी में डालोगे तो डूबेंगे अरे डूब नहीं थे तो काहे की बोट Oh,
बात सही है काहे की बोट भाई बोट होते तेरो तैर ही नहीं रहे तू का रह गया हेडफोन के बीच में मैं नहीं सावा ना मैं भी बुड़ बुड़ यार काम की बात करो वकील साहब क्या कर रहे हो काम की बात कर रहा हूं मेरे पास एक बिजनेस का आईडिया है जो थरथर कांपता हुआ मैं दे रहा हूं मैंने सांपों के लिए कॉर्नफ्लेक्स बनाया है यार सब लोग सांपों को दूध पिलाते रहते हैं दूध पियो दूध पियो दूध पियो दूध पियो इन सांपों को सिर्फ कैल्शियम मिल रहा है देयर आर द कार्ब्स आपको ब्रांडिंग थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए उसको कॉर्नफ्लेक्स नहीं कॉर्न स्नेक्स कहते हैं ऐसे आप पिच करो अच्छा नाम है मैं अमन जी ये जो मेरा आइडिया है ये नोटिस से ले लो पहले बहुत डर लग रहा है इसमें अंदर में असली में ना हो अच्छा 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 मुझे लगा मुझे ही डर लग रहा है तो मैं कह रहा था अमन जी मेरे इस आइडिया के लिए मैं लूंगा 2 करोड़ रुपए और मैं आपको दूंगा 12% इक्विटी नहीं एक मिनट इक्विटी आप सारी रख लो ये इक्विटी पिक्विटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है मुझे बस 2 करोड़ रुपए दे दो और देने के बाद अपने फोन से मेरा नंबर डिलीट कर दो मुझे भूल जाओ उनको आपके किसी आइडिया पैसा नहीं लगाना मेरे आइडिया पे नहीं लगाना पैसा आपको लगाना नहीं नहीं इफ यू आर श्योर अबाउट इट नो 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 ठीक है यू डोंट वांट टू पुट एनी मनी ऑन माय आइडिया नो हेलो लॉटरी आज तुम वो अपना वो शॉपिंग मॉल में हो ना हाँ वो बोट के जो हेडफोन लिए हैं ना उन्हें रख दो वापस मैं उनको वापस रख दो हमें नहीं चाहिए नहीं नहीं हम महंगे वाले ले लेंगे बोट के नहीं लेंगे मेरे आईडी पे नहीं लगाना इनको पैसा ठीक है वकील साहब मैंने इन सब का प्रोडक्ट्स ले लिया मामा अर्थ का मॉइस्चराइजर आयुर्वेदा का ऑयल बोट का स्पीकर फार्मा का दवाई और लेंस कार्ड का चश्मा मैंने भारत पे से पेमेंट भी किया शाबाश तालियां भाई नहीं जब सबके प्रोडक्ट यूज कर रही हो तो शादी.com भी यूज कर लेती उनके .com में कोई प्रॉब्लम है लॉटरी काहे की लॉटरी हमारी तो कभी लगी नहीं कितनी बार तुमसे कहा है कि शर्मा के सामने मत आया करो तुम अरे मैं इनके लिए नहीं आई हूँ अश्नीर जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ अच्छा तो पीयूष जी के बंसल में क्या प्रॉब्लम है बताओ मैं इनकी फैन भी हूँ क्या मैं इनकी फैन भी हूँ तो एक टाइम में सब बोल दो ना मैं आप सबकी फैन हूँ अरे मुझे बोलने तो दो अरे तो मैं शाह के सामने इस पॉम्फ्रेट को क्यों बोलने दूँ क्यों मैं आपको सच बताता हूँ इस शो में इसकी 10% की इक्विटी है लेकिन 2% का भी रिटर्न नहीं है तो चुप रहो मैं आप सबके लिए एक डील लेके आई हूँ ये तो चले जाएंगे अभी थोड़ी देर में डील हमसे करना पड़ेगा तुमको अर्ज किया है इरशाद ये डील भी लाएगी ये सील भी लाएगी वाह वाह ये डील भी लाएगी ये सील भी लाएगी 1 किलो मटर इसे दे दो ये छील भी लाएगी इतना फालतू टाइम है इसके पास हो गया आपका ये सूरज को दिन में और चांद को कहो रात में रहो सूरज को दिन में और चांद को कहो रात में रहे कह देंगे कपिल वकील साहब को कहो कि वो औकात में रहे सो प्रेडिक्टेबल है शेर बट अब ये देखो शेर शायरी का माहौल निकला है ना इसके चलते तुम भी निकल लो इसी सोच के वजह से तुम्हारे पेट आगे बढ़ रहे तुम नहीं शाबाश जस्ट इग्नोर हिम एक्चुअली ना मैं आप सबसे टिप्स लेने चाहती हूँ क्योंकि मुझे ना लाइफ में कुछ अलग करनी है तुम ना अपना मुंडन करा दो वकील साहब अलग लोगों की अलग वकील साहब मैं लॉटरी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता
अब दफा हो जाओ, बाहर जाओ फटाफट, इतने ट्रक चल रहे हैं, किसी एक के नीचे आ जाओ, चलो। नहीं नहीं, मैं आपको एक काउंटर ऑफर देना चाहूंगा। क्या? दफा हो, आपने कहा। हाँ। मैं दफा होने को तैयार हूँ। आई डोंट माइंड। 2 करोड़। लेकिन आप किसी एक लेडी शार्क से कहिए कि मेरे साथ कॉफी डेट पे चलें। ये कॉफी वॉफी छोड़, मुझे आप सबके साथ डांस करनी है। अब मैं मैंने कौन से पैर में चूड़ियां पहनी हुई है, डांस तो मैं भी करूंगा। आइए आइए, थोड़ा सा नृत्य होगा, मजा आएगा। हमारी जनता के कुछ सवाल है। नहीं, इसी से जनता के नाम पे अभी सब पूछ लेंगे। उनका ये पूछना है कि बड़ी बड़ी डीलिंग में आप बार्गेनिंग करते ही हैं, कभी आप ज्वेलरी लेने गए हो, एक्स्ट्रा डिब्बी मांगी कभी आपने? क्या सब्जी वाले से फ्री में धनिया मांगा है? हाँ जी, बिल्कुल, हमारा, ये तो हक है हमारा। हाँ। हम हिंदुस्तानी है, ज्वेलरी की फ्री डिब्बियां, फ्री धनिया, फ्री हरी मिर्च, ये तो हमें चाहिए चाहिए। इतना पैसा कमा के भी धनिया गरीब का जरूर लेना है आपने। ओके। आपको बहुत सारे गिफ्ट यार दोस्त रिलेटिव्स शादी बर्थडे पे आते होंगे, कभी आपने किसी का गिफ्ट आपने देखा होगा यार ये तो बहुत है हमारे पास, आगे किसी को चिपकाया? हाँ हाँ, घर में बहुत कर है। कल इन्होंने जब इन्होंने मुझे कल गिफ्ट दिया था, वो परसों इन्होंने इनको दिया था। अच्छा, कभी आप एरोप्लेन में जा रहे हैं और कोई स्ट्रेंजर आपके साथ बैठा है कोई और ही कंट्री का, उसको शो ऑफ करने के लिए आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया किसी, यू आर वेयरिंग दीज ग्लासेस, दिस इज माय कंपनी, ऐसे करते हैं? रोज करते हैं। शो ऑफ तो नहीं, पर हां बताया है। तो फिर मैं वो क्या? अमन का एग्जांपल देती हूँ। ये मॉल गए थे घूमने के लिए, तो पहले एक दो लोग आए, इनको इन्होंने बोला कि हम आपको जानते हैं, आप शार्क टैंक पे आ रहे हैं। फिर 15 मिनट बाद कोई नहीं आया, तो इन्होंने अपना ऐसे फोन निकाल के मास्क उतार के घूमना शुरू कर दिया। अच्छा। कि मैं मास्क उतार के घूमूंगा तो लोग मेरी शक्ल देख पाएंगे, मुझे जानेंगे। तो 15-20 मिनट के बाद कोई आया तो नहीं ऑटोग्राफ लेने, पुलिस जरूर आ गई चालान करने के, आपके पास नहीं बैठा। और ये हुआ है, ये परसों ही हुआ है एयरपोर्ट पे। कभी अब तो नहीं, खैर पहले कभी आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज आया? बैंक अकाउंट बंद कर दिया था किसी बैंक ने। किसी बैंक ने? अच्छा। हाँ। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ओनली नमिता के साथ नहीं हुआ। मेरे थोड़े बहुत शेयर पड़े थे अकाउंट में, तो वो सारे बेच के अकाउंट बंद कर दिए। अच्छा। पैसे ही नहीं मिले मुझे। उसके बाद फिर आपने स्टार्ट किया? फिर करना ही। वाओ, क्या बात। मेरी वाइफ तो मेरे को बोलती है अपना पोस्टपेड का कनेक्शन प्रीपेड का करा लो, सस्ता पड़ेगा। अच्छा, आप करोड़ों का बिजनेस करते हो, तो घर में जब कोई एक्स्ट्रा बल्ब जल रहा हो तो आप उठ के बंद करने जाते हो? हाँ, बिल्कुल। नहीं करते तो मम्मी से थप्पड़ भी पड़ता है। हाँ। अच्छी बात है। मेरी वाइफ तो बोलती है फिर बिजली का बिल आएगा ज्यादा, देख लेना। लाइफ में कभी मार्केट से किसी प्रोडक्ट की सेकंड कॉपी खरीदी आपने? हाँ, फर्स्ट कॉपी खरीदी। फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी बीवी मारती पकड़। अच्छा, आप सब हमारे यूथ को अगर एक एक लाइन में अगर आप कुछ बोलना चाहें, कोई ऐसे मैसेज देना चाहें, क्या देना चाहेंगे आप? देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप बड़ा सोचोगे और आप में जुनून, जज्बा और जायदाद है,
पर ये बात क्यों बोली आपने जायदाद? ये इनका ना एक ये इनका एक स्टाइल है जो ये स्टाइल से बोलते हैं ना, सारे जौ एक साथ निकाल इनका डायलॉग हम मार सकते हैं। बोलने दो इन्हें, ये सारे जोश जुनून जज्बा जायदाद एक साथ सारे जौ निकाल देते हैं। आपको धीरे धीरे लग रहा होगा आज बहुत कम बोले, बोलने दो। बोलो अनुपम फिर क्या और क्या क्या बोले इसके आप बाकी तो समझ ही गए। तो आप काम करोगे तो जायदाद तो बननी है। वो सही कह रहे हैं कि जो बड़ा सोचते हैं ना, आज की डेट में इतनी अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं और इतने यू नो सपोर्ट है, जैसे शार्क टैंक का सपोर्ट है, इन्वेस्टर्स का सपोर्ट है, ये पहले नहीं होता था। तो अगर आप बड़ा सोचोगे ना तो बड़ा कर सकते हो। और एक और चीज है कि यू नो जब सोचते हैं जरूरी नहीं है वो पूरा होगा। जैसे इन्होंने कटरीना के बारे में सोचा, पूरा नहीं हुआ ना। जरूरी नहीं है वो सोच पूरी हो। अगर आप पूरी वो कहते हैं ना पूरी शिद्दत से सोचेंगे तो जरूर पूरा होगा। कहने का मतलब है कि सोचो और उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन करने का भी सोचो और करो भी। किताबें पढ़ के स्विमिंग नहीं की जा सकती, स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा। कहने का मतलब कपिल आपने जी सर आपने एग्जीक्यूशन की बात करी, मेरे को एक दिमाग में चीज आ रही थी, आपकी एग्जीक्यूशन भी कमाल की है वैसे। कि फर्स्ट कोविड लॉकडाउन हुआ तो आपका फर्स्ट बेबी हो गया, सेकेंड कोविड लॉकडाउन हुआ तो सेकेंड बेबी हो गया जी। तो आपकी जो शर्ट पे ये ऑफ का बटन है ये बीवी ने लगाया है, नसबंदी केंद्र वाले ने लगाया। क्या बात है ग्रोवर साहब। मैं सोनी साहब से बात करना चाहता हूँ। अश्नीर परमीत बहुत खुश होंगे ये सुनकर। आपने कहा था ना हमारा बंदा सीरियस रहता है, हो गया ठीक। क्या बात है ग्रोवर साहब, बड़ा ऑब्जर्व करके बंचवा रहा है। हेलो जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आप पहली बार हमारे शो में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या देंगे आप? ये पूछते हैं क्या लोगे आप? यार तुम्हें लगता है कि मैं उनको कुछ दे सकता हूँ? सर माई सेल्फ उनको नहीं जानना चाहता। दबाओ माई सेल्फ कहाँ तेरे आगे लग गया यार? उनको नहीं जानना, लेकिन मैंने तो बताना है ना। अभी वो शो करके घर जाएंगे, उनके बच्चे पूछेंगे पापा आप चंदू अंकल से नहीं मिल के आए, तो वो क्या जवाब देंगे? सर मैम माई सेल्फ इज चंदू एंटरप्रेनर। चंदू चंदू द एंटरप्रेनर। क्या एंटरप्रेनर के स्पेलिंग हो जाए थोड़े थोड़े। तुम ना मेरे इंग्लिश के टीचर बन जाते हो हर बात पे। कुछ भी बोलता हूँ मैं स्पेलिंग सुनाओ इसके। इसको मैंने बचपन में बताया, मैंने कहा यार मैं बड़ा होकर ना मेरा सपना है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं। कहता एस्ट्रोनॉट के स्पेलिंग बताओ, मैंने सपना चेंज कर दिया। फिर आप क्या बने? मेरे को टी के स्पेलिंग आते थे, फिर मैंने चाय का काम खोल लिया। तो टी के स्पेलिंग गेस्ट को भी सुना दो। टी के कौन सा स्पेलिंग हो रहा है? टी के स्पेलिंग टी। अगर इसके भी स्पेलिंग होते तो फिर नहीं, फिर तो मैं पॉमिग्रेनेट का काम ना करता। किसका किसका पॉमिग्रेनेट का स्पेलिंग बताने में भी आलसी है आदमी, बड़ा आलसी है, सारा दिन सोता रहता है। आप अभी इसका जैकेट उतार के देख लो, बेडशीट छपी हुई इसकी पीठ पे, इतना आलसी आदमी है ये। देखो सर सपने पूरे हो ना हो नींद तो पूरी होनी चाहिए कि नहीं? इतने बड़े लोग आए, कोई ढंग की बात कर, मफलर पहन के आ गया तू। हमने तो वैसे ही पहाड़ बनाए कि टीवी पे अच्छा लगता है, ठंड थोड़ी है। उतार इसको। ठंड है, है? ठंड है। आप फिर लातों में मफलर पहन। मैं ये आपको बताता हूँ, ये माई सेल्फ इज क्या माइसेल्फ, ये 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर का मैं इकलौता सीईओ हूं। सीईओ के फुल फॉर्म हो जाए यार। तुम मुझे ये बताओ, कभी स्पेलिंग पूछते हो कभी फुल फॉर्म पूछते हो, तुम क्या सीखना चाहते हो मुझसे? हाँ यार हाथ धो दिए। अरे बैठ के बात कर, ये देखिए बैठ के बात, कुछ नहीं कहते वो, अमीर है अच्छे हैं वो। मेरी ये दुकान है जी बहुत बड़ी, आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी अच्छी टर्नओवर है जी। बॉडी टर्न ओवर है इसकी। आपको पता कोई ये आइडिया सुनाता ना कस्टमर वापस टर्न हो जाते हैं, कहते इसका ओवर होता है। चूहे मारने वाली दवाई तो तेरे पास है नहीं, मैं मांगने गया तो चूहे खुद आ कहते कहते इसके पास होती तो हमें ना कुछ करता। नहीं सर मैं तेरे पास इतना अच्छा मफलर है, अपना गला क्यों नहीं घोट लेता? इग्नोर करो ये बंदा ना, मेरे ना वार्डरोब से ये बड़ा जेलस करता है। मुझे इग्नोर करो, इसके साथ बिजनेस करो आप।
मैं आपको बताता हूँ जी, एक्चुअली चक्कर पता क्या, अच्छा वो वाला आइडिया सुनाया जो आप तूने बनाया था, वो चूहे वाला, भागते भागते कुत्ते को चड्डी पहनाने वाला, कुत्ते को चड्डी पहनाने वाला। इसके घर उस दिन बिल्ली आ गई, वो एक गिलास दूध पी गई, इसने उसका दो गिलास निकाल लिया। मैं जब तक लग नहीं जाते मैंने बोलते रहना। चूहे उधर बेचारे बैठे हैं, अभी मैं अगली बात बोलूं। कहावत सुनी है, ट्रीट अ डॉग लाइक अ डॉग, अदरवाइज डॉग विल ट्रीट यू लाइक अ डॉग। मैं इसको बचपन से जानता हूँ, आज मैंने सबसे लंबी लाइन इंग्लिश में पहली बार इसके मुंह सुनी। मेरे पास एक और लाइन है, क्या? Mutual friends are subjected to market risk. Mutual friendly, mutual fund होता है। वो मेरा fund friend से ही आता है। बहुत अच्छे। तुम थोड़ा चुप रहा करो। खैर, मेरी और अश्नीर सर की जो बिजनेस प्लानिंग थी ना, वो बिल्कुल सेम है। हाँ जी, प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। तेरी कैसे सेम है? उनका भारत पे, तेरा खाना पीना सोना सारा जमीन पे, तेरा कैसे सेम? और सर मेरी बात सुनिए, मैं थोड़ा डाउन टू अर्थ हूँ, जमीन के साथ जुड़ा हूँ, और चार पैसे अगर मेरे पास आ गए तो मैं जमीन को थोड़ी भूल जाऊंगा। और बड़ी बात है, इसके पैसे आते भी जमीन पे, ऐसे जैसे भारत पे QR स्कैन नहीं होता, इनका होता है ऐसे, और फिर शीशा चढ़ा लेते। तुझे ये जो तेरी टांग है ना, इसका सूप बनवा के पी, हड्डियों के लिए अच्छा होता। कसम से, इतने घुटने तीखे हैं ना, किसी दिन तेरे घुटने तेरी पैंट फाड़ेंगे। बता फिर क्या आइडिया है? हाँ, तो बात क्या हो रही थी? चूहा। हाँ, नहीं, चूहे से हम आगे बढ़ गए थे। अच्छा। तो जमीन पे वाली बिजनेस जमीन से आता, तो वो मेरे को अंबानी साहब ने समझाया था, कहते किसने समझाया था? अंबानी साहब ने मेरे को समझाया था। वो यहाँ आए थे, शो में आए थे? नहीं, मेरे को पर्सनली बुलाया था उन्होंने। ये उनकी गाय नहलाता है। क्या क्या कहा था अंबानी साहब ने तेरे को? मेरे को ही पर्सनली बुलाया था उन्होंने, कहते चंदू मेरी बात सुनो। मैं कहते ये गाय तो दुली नहीं। एक दिन उनकी भैंस को नहला रहा है, नहलाई जा रहा है, नहलाई जा रहा है। उनकी भैंस को नहलाई जा रहा है, नहलाई जा रहा है। मैं कहा हट नहीं रहा तू? कहता यार काला काला जा नहीं रहा। अबे वो होती काला काला। सर मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है जी, मैं आपको बताऊं। जी सर। बिजनेस मतलब उसमें कुछ नहीं, मेरे को एक दिन पहले कहता मैंने कैसीनो खोला है। मैं कहा चलो देख के आते हैं। देखा तो पेड़ के पीछे चादर बिछा के ऑटो वाले के साथ ताश खेल रहा है। ये तेरा कैसीनो है? पता क्या चक्कर है? वो सर मेरा स्टार्टअप था, ये तो ऐसे बातें बना रहा है। आप बिजनेसमैन टाइप लोग हो सर, आपका तो 2000 रुपए भी गिर जाए, आपके पास टाइम नहीं है उसको उठाने के लिए ना? नहीं, बिल्कुल मेरा भी सेम ऐसे ही, मेरे 10 रुपए गिर जाए मैं उठाता ही नहीं, क्योंकि अपने 10 छोड़ के आपका 2000 उठा लेता है। थैले में क्या है ये? तो सर बुरी बात है, 10 रुपए इन्वेस्ट करके मैं 1990 रुपए कमा रहा हूँ, ये बुरी बात है? फायदे का काम है, फायदे का। वैसे सर मेरे पास चौका, बिल्कुल मेरे पास अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज भी बड़े अच्छे अच्छे हैं। एक मेरे पास अगर है बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। नहीं, बिकॉज़ ये दिस इज अ कॉमेडी शो एंड आप लोग सोच रहे होंगे हिंदी में बता मर एंड खाली एंड डाल के थोड़ी अंग्रेज बन जाता है कोई। दिस इज अ कॉमेडी शो एंड मेन बात कर जो अपने को आती है। यार 2 मिनट थक गया। पॉज 2 मिनट ब्रेक, हंसना मेरे को ना अभी तक उस पे हंसी आ रही है, तीखे घुटने। आप यकीन नहीं करेंगे, एक छोटा कुत्ता लेके ना, यकीन मैं बताता हूँ आपको। भाई साहब आप रहने दो, ये आदमी रहने दो, एक मिनट मेरे को सुनाने दे। बहुत अच्छा है। इसने क्या किया, थोड़ी सी पैसों की तंगी आ गई कोरोना में, सब इसने स्ट्रे डॉग पकड़ा इसको, उस पे ना काली सफेद धारियां मार के बाजार चला गया, कहता जैबरा ले लो। तेरे को शर्म नहीं आती? खरीदने वाले भी ऐसे इसके रिश्तेदार, उन्होंने जैबरा ने लाया अंदर से, फिर कुत्ता क्यों करता है ऐसे काम? वो हुआ था ऐसे जी, वो जब कस्टमर आया
उसने चेक किया तो उसने ले लिया, तो जब उसने ऐसे किया तो वो भौंक पड़ा, कहते ये तो कुत्ता। मैं कहा नहीं नहीं है ये ज़ेब्रा, कुत्ते की मिमिक्री कर रहा है ये। अच्छा मैं जो बिजनेस की बात कर रहा था, क्योंकि ये कॉमेडी शो, कभी कभी बंदा सोच लेता कि ये बंदा ना कॉमेडी ना कर रहा हो। नहीं नहीं सबको पता, तू नहीं। तो बड़ा सीरियस ये बात है, उसमें जैसे तो मार्केट से जब हम सर कुछ खरीदते हैं, जैसे मान लो सपोज केला खरीदते हैं, हम केला खा लेते हैं, हम बाद में छिलके का क्या करते हैं? सही बात है, फेंकना नहीं सर, यहाँ गलती करते हैं हम, इसको दे देना। तुम भी गलती कर रहे हो, पहले पूरी बात सुनो। हाँ यस, तो सर वो जो छिलका है ना उसको हमने रीयूज करना है, कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे हम सर? उनमें अंगूर भरवाएंगे। अंगूर, अंगूर केले के छिलके में अंगूर, इससे दो फायदे होंगे, एक तो छिलका जो है रीयूज हो जाएगा, और दूसरा जो है नंगे अंगूर हैं उनको तन ढकने के लिए छिलका नहीं। कमाल हो गया, कमाल। आप अंगूरों को कपड़े पहनाने का बिजनेस खोलना चाहते हैं? ये देखो भाई, ये वाला नहीं खाने, नहीं खाना नहीं, 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 ये नहीं खाने, ये नहीं नहीं, ये सर सिर सर दिस इज ओनली प्रेजेंटेशन, खाना नहीं प्लीज। ये मेरी इन्वेस्टमेंट लगी है इसमें। अच्छा आप सुनिए, केले के चिप्स के कंपनी में अमन और अश्नीर ने इन्वेस्ट किए हैं। हाँ, अच्छा तो उसमें बहुत सारे ऐसे छिलके आपको फ्री में मिल जाएंगे, आप इन दोनों से ही बात कीजिए। हाँ, तो फिर अरे आप इतनी अच्छी दवाइयां बनाती, एक जहर की गोली क्यों नहीं बना देती? नहीं मेरी बात सुनो, मेरे पास एक और बहुत बढ़िया, मैंने तो एक दिन इसको जहर की गोली दे भी दी, अगले दिन मैंने देखा घूम रहा है, मैं तेरे को कुछ हुआ नहीं कहता, मेरा तो पेट साफ हो गया। मेरे पास एक और बहुत बढ़िया आइडिया जी, मुझे ये पसंद है। हाँ जी ठीक है, डील डन। फिर अभी दूसरा आइडिया सुन लेते। हाँ दूसरा आइडिया सर, एक मैंने साबुन बनाया जी। साबुन, साबुन में जैसे इसमें अच्छा आप सैंपल लेके घूमते हैं? जी जी मैं पूरा इन्वेस्टमेंट की है, कितनी प्रेजेंटेशन प्रॉपर है जी, कितनी इन्वेस्टमेंट जी? मैं इस पे मेरे लगेंगे 250 रुपए। तो साबुन ये मैंने बनाया बड़ा जबरदस्त, हम मार्केट में जाते हैं साबुन लेते हैं, तो साबुन की टिक्के जो इतनी बड़ी होती है, हाँ जी, हम उसको मल मल के नहाते हैं, तो एक दिन नहाते हैं, दो दिन नहाते हैं, तीन दिन नहाते हैं, तो साबुन खुरता जाता है, मतलब साबुन कम होता जाता है। साबुन जाता है, साबुन कम होता जाता है, और एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। सैचुरेशन पॉइंट आता है, यूज नहीं होता। साबुन यहाँ पर रह जाता है, आपका हाथ इधर इधर जाता है, और फिर कभी कभी साबुन आपकी बॉडी पे गुम हो जाता है, फिर आप नीचे ढूंढते हैं क्या साबुन। फिर आप इधर से देखते हैं, फिर आप इधर से देखते हैं, फिर वो कभी कभी साबुन नीचे गिर जाता है, कभी आप ऐसे उठाते हैं, कभी ऐसे उठाते हैं, कभी ऐसे उठाते हैं, कभी ऐसे उठाते हैं, वो उठता नहीं है, नहीं उठता ना, बस बस ये प्रॉब्लम पकड़ी आपने। उसी साबुन को हमने इकट्ठा करना है। कमाल है, उसी साबुन को इकट्ठा करना है, और हमने ये मल्टी कलर ये बनाते हैं। इसके बड़े फायदे हैं सर, नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी है, लेकिन 200-250 रुपए कैसे लग गए इसमें? इसमें सर लोगों के घरों में जाना कोई आसान बात है? भाड़ा नहीं लगता। अच्छा मेरे ना कुछ इन्वेस्टमेंट आई है, अच्छा। किसी का आइडिया है, अच्छा किसी ने डंडे इन्वेस्ट करने हैं, अच्छा पीठ पे करूं कि कहां पिछवाड़े पे करूं? सर ये इसने मेरे को अपना बिजनेस की बात नहीं करने देनी, आप प्लीज मेरे को बाहर मार्केट में शेयर मार्केट में मिलिए, मैं आपकी वेट कर रहा हूं। ओके सर, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां हमारे शख्स के लिए आइए सर। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और हमले हमेशा मजा करते हैं अपने शो में, लेकिन आज जो मजा आया, बातें अलग हुई, बड़ा कुछ सीखने को आप लोगों से मिला, और आई एम श्योर हमारा जो यूथ है जो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने की सोच रहा है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा आज की, हालांकि हम लोग हंसी मजाक ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन आप अगर
गौर करेंगे तो ये आपके सामने एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया है. सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन. थैंक्स लॉट. और दोस्तों आप सबसे अनुरोध है बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. स्वस्थ रहें, खुश रहें. गुड नाइट, शुभ रात्रि. थैंक यू. गुड नाइट. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.